आप महिलाओं का पहचान तभी होगा, महिलाओं के अस्तित्व में तभी आएंगी जब पति के साथ नाम जोड़ा जाए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। आपसे लोग पूछेंगे कि आपके पति का नाम क्या है तो सचिन तेंदुलकर बताइएगा। उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। वो गड़बड़ा चुकी हैं। शायद लोग जया बादरी को ना जाने लेकिन अमिताभ बच्चन को जानते हैं। हाँ। जया बादरी की बात करूं तो अमिताभ बच्चन से उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। आज जो वो सदन में पहुंची है तो अमिताभ बच्चन की वजह से। देखिए 3-4 बच्चे की माँ भाग जाती है किसी और के साथ, पति क्या करता है बेचारा ऐसे बैठा रहता। तो जया बादरी जी कहीं गलत दिशा में तो नहीं दिखा रही है कि पति का नाम हटा दो और लवर का नाम रख लो। जया बादरी को कोई हाथ पैर पकड़ा था, उसमें रस्सी बांध के बोला था कि बच्चन अमिताभ बच्चन लिखवाई, वो खुद ना लिखवाई थी। इस उम्र में जिस समय कमर नहीं चल रहा है मेकअप की दुकान बन के घूम। देखिए जया बच्चन इन दिनों चर्चा में है। चर्चा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चर्चा कर रहे हैं कि जया बच्चन से जब अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ा गया तो वो भड़क उठी हरिवंश नारायण जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा में, और जब ट्रोल हुई तो आज सभापति के सामने उन्होंने अपना पूरा नाम लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही क्या गलत। जो जया बच्चन ने आक्रोशित होकर कहा कि क्या महिलाओं की पहचान तभी होगी जब उसके पति के साथ उनका नाम जोड़ा जाएगा, क्या महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो जो जया बच्चन ने महिला एंगल महिला कार्ड खेला है वो कितना सही कितना गलत। और ये समझने के लिए हमारे साथ खुद एक महिला मौजूद हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जो खुद शादीशुदा है। बबीता जी, जया बच्चन जिस तरह से आपने वो वीडियो देखा सोशल मीडिया पे वायरल है वो वीडियो, मुझे एक चीज़ बताइए। एक तो अमिताभ बच्चन के साथ जो है जया बच्चन का नाम अंकित था और वो हरिवंश नारायण ने वो नाम बोला जया अमिताभ बच्चन, उसके बाद जया बच्चन भड़क जाती हैं, कहती हैं कि ये आप सिर्फ जया बच्चन भी बोल सकते थे, क्या महिलाओं का पहचान तभी होगा, महिलाओं के अस्तित्व में तभी आएंगी जब पति के साथ नाम जोड़ा जाए। तो ये महिला एंगल खेलना क्या जरूरी था, और क्या जो जया बच्चन कह रही हैं वो आप भी मानती हैं, क्योंकि आप भी महिला हैं, कि भाई पति से ही महिला की कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं होती है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उम्र का भी असर हो सकता है और उनको लगता है कि हम महिला वीमेंस कार्ड खेले तो शायद जितनी भी वीमेंस है उनके बातों से सहमत हो जाए। ऐसी कुछ नहीं है, गुड्डी जो हैं वो गड़बड़ा चुकी हैं। रही बात तो उनकी बातों की, तो मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप स्कूलिंग करते हैं तो उनमें नाम किसका होता है? पिता का होता है। क्या माता का होता है? नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई वंश के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वंश को बढ़ाने वाला जो होती है वो महिला होती है, लेकिन जो पुत्र होता है वो कहीं ना कहीं माता पिता के मुख में अग्नि अगर दिया जाता है तो वो पुत्र देता है। ये आज से नहीं, शुरुआती दौर से चलता आ रहा है, प्राचीन सभ्यता है, और ये हमारी सबसे ऐसी सभ्यता है जिससे कि हम खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। ये आज अकल कैसे आ गई कि पति के नाम से इतना दिन पर। अच्छी एक बात बताइए, अमिताभ बच्चन को लोग जानते हैं या जया बादरी को? नहीं ठीक है, अमिताभ बच्चन को जानते हैं और ठीक है जया, किसने डाला? अमिताभ बच्चन ने डाला, लेकिन 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 ऐसा भी नहीं कर सकती है कि हाँ जया बादरी आज कितनी हीरोइन है जो शायद फिल्म इंडस्ट्री से ओझल है, जिनको लोग सही से जानते तक नहीं। हाँ जैसे कि और मशहूर एक्ट्रेस रही हैं जैसे आशा पारेख हो गई, वहीदा रहमान हो गई, जो कभी कभी नजर आती हैं। वो एक्ट्रेस थी, उनका नाम सब जानते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको मान दिया तो वो है अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन आज ऐसे शख्स हैं आज के डेट में कि उनकी पहचान देश विदेश में है,
शायद लोग जया बादरी को ना जाने लेकिन अमिताभ बच्चन को जानते हैं। शादी करती हैं आप, बाल बच्चे भी होते हैं, तो उसमें बच्चन कौन लगेगा? तो बच्चे में बाप का ही नाम होगा। अगर ऐसा होता तो जया बादरी उस समय अपना नाम डलवा देती कि नहीं भाई अभिषेक बादरी, ऐश्वर्या बादरी, माँ का ही टाइटल दे देती। उस वक्त तो आपने नहीं कुछ कहा, लेकिन उम्र का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आप बदल भी जाती हैं। और यही बात देखिए, बदलना तो भाई पड़ेगा ही ना, लोग आप पर बोलेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, ये गलत है पति का नाम। क्यों गलत है हमको ये बताइए ना, महिलाओं की अपना इंडिविजुअल पहचान नहीं है, बबीता मिश्रा की अपनी पहचान है, है ना? हाँ, तो बबीता मिश्रा, नहीं नहीं, बबीता मिश्रा अपना अपने क्षेत्र में काम कर रही है, खुद से आगे बढ़ रही, तो आपकी भी तो इंडिविजुअल है, है। तो क्या जरूरी है? नहीं नहीं, क्या जरूरी, नहीं नहीं, क्या जरूरी है कि पति का नाम जुड़े? सुनिए, अगर जया बादरी की बात करूं तो अमिताभ बच्चन से उनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर अभी तक आज जो वो सदन में पहुंची है तो अमिताभ बच्चन की वजह से, उनकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। आज लोग अमिताभ बच्चन को इसलिए जानते हैं कि सुपरस्टार हैं, मतलब फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार, और उनकी पत्नी है, नहीं तो कितनी हीरोइनें आई और गई। लोग हेमा मालिनी भी सांसद रही, उतनी उसकी पहचान नहीं है जितनी जया बादरी की पहचान है। आप बगैर लड़े, समझने की जरूरत है, बगैर चुनाव लड़े आप सांसद बन जाती, कहीं ना कहीं तो पति का ही रोल है ना, पति की पहचान है, इसीलिए आप सदन में बड़े मुखर होके बोलती हैं। अगर अमिताभ बच्चन इनसे शादी नहीं किया होता और कोई और उनकी पत्नी होती तो वो आज सदन में होती। अब उन्होंने जो कहा, दर्द दिखाया कि भाई इसमें दर्द वाली कौन है, आपको तो गर्व होना चाहिए, आपने ही नाम सेंशन किया है। और जो हाँ, वो हरिवंश नारायण कह भी रहे थे कि नाम अंकित है, उनको सपना नहीं आया था, हरिवंश नारायण जी को सपना नहीं आता है कि नहीं भाई हम तो अमिताभ बच्चन का नाम लेंगे। आपने पहले अंकित किया होगा, खुद वहां लिखा होगा, सिग्नेचर दिया होगा, तभी ये नाम उन्होंने बोला। और आपको तीख लगी, इतने सालों तक तीख नहीं लगी, लास्ट में तीख लगने की जरूरत क्या है? नहीं, सवाल मेरा यही है, मैं देखिए इसमें दो चीज है, कोई जरूरी नहीं है कि टाइटल के साथ ही नाम लिखवाया जाए महिलाओं का, और ये सही बात है, महिलाओं की महिलाएं भी आज के डेट में बराबर का रोल अदा करती है, लेकिन अगर पति का नाम जुड़ता है तो इसमें खराबी क्या है? ये तो गर्व की बात है, अगर किसी, और मैं तो यहाँ पे कहता हूँ, अगर कोई पति के साथ पत्नी का भी नाम कोई बोलते तो उसमें दिक्कत क्या है? आज आधार कार्ड में किसका नाम जुड़ता है? पति का। आप जब अनमैरिड होते हैं तो पिता का। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है और ये तो एक सम्मान है। अगर सरकार ऐसे कोई कानून लाती है जिसमें कहा जाए कि हाँ माँ का नाम लगेगा, ठीक है भाई आधार कार्ड में माँ का नाम, ऐसा नहीं है। आज अगर वो रूढ़िवादी सोच होती अमिताभ बच्चन की, तो जया बादरी को पैक कर देते, बाहर नहीं निकलने देते, संसद तो क्या उनको दर्शन करने नहीं देते। आज भी बहुत ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों को दहलीज पार नहीं करने देते, घर के चार दीवारी में रखते, और वो रहती है, इसलिए रहती है कि वो जानती है कि वो उसका पति है, वो उसका संसार है, और इज्जत करती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो चाहेगी तो वो दहलीज पार नहीं कर सकती, चूँकि उनके माता पिता हैं। जिस तरीके से पुत्र के भी माता पिता होते हैं तो पुत्री के भी माता पिता होते हैं। अगर हमें पति अगर टॉर्चर करता है तो हम इतना तो सक्षम है कि हम चले जाएंगे, लेकिन हम अपने पति का अपमान तो सह, अपमान तो अगर देखिए सती ने नहीं सहा। आपको आपने सती की कहानी सुनी होगी, जिस तरीके से राजा ने सती के पिता ने उनको नहीं बुलाया, लेकिन एक होता है ना पुत्री और पिता का जो प्रेम होता है, महादेव ने उनको मना किया, हाँ, कि वहाँ नहीं जाओ, वहाँ अपमान होगा, राजा दक्ष के यहाँ हम तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन कहा नहीं वो तो हमारे पिता हैं, हम जाएंगे। बिना बुलाए वो गई, वो ऐसी नारी थी जिन्होंने समझाया कि पति का अपमान हो तो पिता को भी आप अनादर नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा कीजिए। उनको उस वक्त लगा और कहीं ना कहीं राजा दक्ष का जो यज्ञ था वो विध्वंस हो गया, और उसने दिखाया, उस पत्नी ने दिखाया अपने पति का मान कैसे रखा जाता है, और महादेव के लिए वो सती बन गई। और आपने तो देखा ही होगा कितना, जब वो सीन आता है तो लगता है कि माता ने
अपने पति के लिए आत्मदाह कर लिया। तो ये हुआ शिक्षा। ये क्या बुढ़ापे में आप शिक्षा दे रही हैं? इस उम्र में आई हैं शिक्षा देने के लिए कि सब पति का नाम हटा दे, लड़की घूमते रहे इधर उधर। ऐसे ही तो देखे तीन चार बच्चे की माँ भाग जाती है किसी और के साथ, पति क्या करता है बेचारा, ऐसे बैठा रहता, बच्चा कैसे पलेगा बेचारा, शादी करेगा कि क्या करेगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो तीन चार बच्चा, आजकल सोशल मीडिया तो खत्म हो गया है, खास करके अशिक्षित महिला फिल्टर लगा के सुंदर समझती है अपने आप को, और किसी लफुआ से उसको चक्कर हो जाता है और पति उसको खराब लगने लगता है। तो जया बहादुरी जी कहीं गलत दिशा में तो नहीं दिखा रही हैं कि पति का नाम हटा दो और लवर का नाम रख लो, उसका भी नाम नहीं रखो और घूमते रहो, बाल बच्चा को छोड़ो, अपना नाम लेके जियो। तो ऐसे समाज जो है ना, समाज में अस्थिरता पैदा हो। लेकिन जया बहादुरी ने टाइटल तो लिया है ना, बच्चन तो लिया है, आ गई ना ये भाई। जया बहादुरी को कोई हाथ पैर पकड़ा था, उसमें रस्सी बांध के बोला था कि बच्चन बमिता बच्चन लिखवाई, वो खुद ना लिखवाई थी। और आज से तो वो राज्यसभा की सांसद नहीं है, हमें लगता है कि 20 साल से होगी, कई वर्षों से होंगी। तो उस वक्त इनको बुरा नहीं लगा, अब इस उम्र में जिस समय कमर नहीं चल रहा है, मेकअप की दुकान बन के घूमती है, देखिए सारी नहीं संभलता है, और वहाँ आप बात करती हैं कि हम अकेले रहेंगे। आप अगर आज अकेले रहेंगी तो आपको पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। पैसा है तभी आपकी पूछ है, पति है तो आपके दुख का तो वो साथी है, सुख का भी साथी। नहीं, नहीं, वो ये कहा कर रही है कि भाई हम पति के, मतलब उनका सिर्फ ये कहना था कि पति का नाम हमने कहा भाई। हाँ। तो हम तो यही कह रहे हैं, इतने सालों में अभी नींद खुली है। और ये बात बताइए कि आप कहीं ऑफिस में भी जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपके पति का नाम क्या है, तो सचिन तेंदुलकर बताइएगा कि अपने पति का नाम बताइएगा, अमिताभ बच्चन होगा तो अमिताभ बच्चन बताइएगा, आज सलमान खान होगा या रवि किशन होगा या ABCD कुमार होगा या क्या सरवन होगा, जो भी टाइटल होंगे आपके तो आप वो नाम बताइएगा कि मेरे पति ये है, मेरे पति रिक्शा वाला है, मेरा पति इंजीनियर है, उनका ये नाम है, यही ना बताइएगा। हालांकि एक चीज़ हम और बता दें कि जब जया बहादुरी ने हरिवंश नारायण से ये बात कही, उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, उसके बाद वो क्लिप हम आपको दिखलाना चाहेंगे, जब स्पीकर धनकर बैठे हुए थे और खुद जया बच्चन ने अपना पूरा नाम लिया जया अमिताभ बच्चन, तो धनकर कैसे हंसे, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, और वो वीडियो देख के आपको मजा आएगा कि कैसे स्पीकर महोदय ने ये बोलते ही जया बच्चन के ठहाका मार के वो हंसे हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। एक जुबान से कुछ निकल जाए तो वो वापस नहीं होती, लेकिन जया बहादुरी में कला है। देखिए कल तक वो बोल रही थी कि भाई पति के नाम से कैसे जी, और खुद पति का नाम लेते हुए सुनी गई। आप सुन रहे होंगे किस तरीके से अपने पति का नाम ली, समझ में आ गया क्या हमने कोई गलती की है। पहले तो सोचा कि भाई इस गलती से तो भाई लोग हमें वाहवाही करेंगे, लेकिन नहीं, 60 बरस में लोग कहते हैं सठिया जाता है, तो 60 बरस से ऊपर हो गई तो सठिया ही गई ना, आप सठिया गई हैं, आपने कह दिया, आपने अपने पति का अपमान किया, आपको किसी ने नहीं कहा था, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होता, आपने तो आप तो महारानी बन के रह रही हैं। अगर आज की डेट में अगर ऐश्वर्या राय बाहर हैं और अपने मायके में हैं तो इसके पीछे भी इन लोग कहते हैं कि शादीशुदा ननद का खेल है, क्योंकि वो भी अपना घर नहीं बसा पाई, अपने घर में वो है नहीं, और ऐश्वर्या की जिंदगी को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी के ही से सहारे छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए मैं यही बात कहूँगी कि शादीशुदा बहन ज़्यादा देर और ज़्यादा दिन
अपने मायके में रह जाए, और अगर कोई होता है कि डाइवोर्स हो गया, बहुत तकलीफ दे रहा है पति, तो रह रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सब कही कहा ही बातें, सोशल मीडिया की बातें हैं, ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं कि ऐश्वर्या ऐश्वर्या मायके में रह रही है। बात करते हैं, अगर ऐसी बात नहीं होती तो पहले तो एकदम कंधे में कंधा मिला के अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ता था बेटी को। कम से कम आज तक तो हमने नहीं देखा कि खास करके दादी को नहीं देखा कि अपनी पोती को चुम्मा लेते हुए। बहुत सारे दादी को आप देखिए, अरे नीता अंबानी बनिए, देखिए नीता अंबानी अपने पति को ले लेकर घूमती है, कहीं भी जाती है। ये तो है, ये तो आप कहेंगे कि जो भी हो, नीता अंबानी जैसी सास सबको हो नसीब हो कि वो बेटी बना करके अपने बहू को घर लाई है। चलिए ठीक है, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या पत्नियों के साथ पति का नाम जोड़ना गलत है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि नाम जोड़ा ही जाना चाहिए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि महिलाओं की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, महिलाओं की अपनी आइडेंटिटी होती है। आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर पति का नाम जोड़ दिया गया तो इसमें इतना तिल मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वह नाम आपने खुद अंकित करवाया है। दूसरी बात है, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार महानायक बॉलीवुड के कहे जाते हैं। सुनिए सुनिए, एक बात तो हम बोलना ही भूल गए आपको, पति का नाम नहीं जोड़िएगा तो राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ेगा। गरीब नहीं, नाम जोड़ने की, उन्होंने कहा कि नाम लेने की जरूरत, लेने की तो जरूरत होगी। आप जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराइएगा तो वहाँ भी पति का ही नाम देना होगा। आप कहीं अस्पताल में भर्ती लीजिएगा तो वहाँ भी पति का नाम जोड़ा जाता है। तो वो जो प्रक्रिया है, जो समाज का जो नियम है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। आप अपना नाम हटा लीजिए, लेकिन लोगों को गलत राहों में मत दिखाइए। ऐसे ही तो महिलाएं जो है अपना पति को छोड़ छोड़ करके आसिक के साथ भाग रही हैं। हाँ, देख लीजिए आप, एक वो पाकिस्तान से आकर के पूरा रील बना के रखी है। तो ऐसी महिलाओं भी, ऐसी महिलाएं भी हैं जो पति नहीं, चार चार पति भी रह करके। आप कह रही हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की जरूरत है कि अगर पति का नाम लिया गया, अगर ये कहा गया जया अमिताभ बच्चन, तो वह आपके द्वारा अंकित करवाया गया था, और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं, और जाहिर सी बात है आपने भी अपने करियर में अच्छा काम किया है, कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन फिर भी आपकी पहचान अगर किसी से है तो वो अमिताभ बच्चन से है, और वो अगर उनका नाम जुड़ता है तो मुझे नहीं लगता है, या बबीता जी को तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उसमें उतना तिल मिलाने की ज़रूरत थी जया बच्चन को। आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हमारे खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।